जिसकी नजरों में ज्ञायक समाया, तो वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में कौन समझाया समाया है, क्या करे भैया, गायक की दृष्टि रखा अपने, फिर ये तुम्हारी नजर तरसना बंद हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं आया है। फिर पल पल में, अरे पल पल में अपने गायक का आनंद आएगा, क्षण क्षण में अपने स्वरूप में मग्न करोगे, क्षण क्षण में केवली करोगे, केली करोगे, खेलोगे अपने स्वरूप के साथ है, फिर तुम्हें मस्ती आएगी, आनंद आएगा। देखो भाई, जब ये भगवान आत्मा की बात समझ में आएगी तो तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे और बाहर जगत के हिसाब से रहोगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करोगे, मुस्कुराओगे। और तुम्हें कोई मुस्कुराता हुआ देखेगा तो सोचेगा विजय जी पागल हुए, क्योंकि इस जगत में हंसता हुआ आदमी पागल समझा जाता है, और रोता हुआ गंभीर मुंह लटकाए हुए आदमी समझदार समझा जाता है। कि ऐसे मूर्ख लोग हैं रे, हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा संसार। अभी विजय जी यहां से हंसता हुआ स्कूटर चलाते जाए ना, और हंसते हुए आनंद में झूमते जाए, तो पता कोई पागल हो गए रे भैया, दिमाग खिसक गया इनका, समझ में आया। विजय जी गंभीर मुंह लटकाए हुए एकदम सही, माने तुम यहां दुखी रहो तो सही, और गलती से भी सुखी हुए तो तुम्हें कोई जीने पागल खाने में भर्ती कर देंगे। तो इसलिए तुम बाहर तो गंभीर दिखना, लेकिन अंदर गंभीर होना ही मत, अंदर गंभीर नहीं रहना, अंदर आनंदित रहना। जैसे उदाहरण दे दूं कि लड़का लड़की की सगाई हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। अब पुराने जमाने का उदाहरण दे रहा हूं, अभी तो क्या मोबाइल आ गए, और वहां से लड़का लड़की की सगाई हो गई और जे इसकी सगाई हो गई, समझ गए, लेकिन उसी गांव में दूसरे की बारात गई और जे उसी बारात में गया, ताकि तुम्हें दृश्य समझ में आ जाए, समय उसी बारात में गया, और इसको पता है उस बारात में जहां मैं जा रहा हूं बारात में दोस्त की, वहां वो लड़की भी आएगी क्योंकि वो उसकी सहेली है। तो बोलो यहां बस में बैठते ही रोमांच होता है कि नहीं, उसी उसी की धुन चढ़ती है कि नहीं, वो दिखेगी वहां गारंटी से दिखेगी, समझ में दिखेगी। अब देखो तो बाहर दिखाता है कुछ, बाहर दिखाता है, सुनो बाहर कुछ नहीं दिखाता कि मेरे अंदर रोमांच चल रहा है। कोई पूछता है अरे शेखर इधर सुनो, वो सब्जी का टोला रख लिया, हाँ बाबूजी रख लिया रख लिया, बड़ा उत्साह से काम करता है, अच्छा और वो सामान रख लिया, हाँ और वो करण की वो रख ली ड्रेस, हाँ बाबूजी बिल्कुल सब रख ली, ये सब जो दिखा रहा है ये उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर तो वो उत्साह किसका है कि वहां मेरी प्रेमिका मिलेगी। मैं प्रेमी का शब्द देना नहीं चाहता, वो जिससे सगाई हो गई है वो मिलेगी, समझ में आए, हाँ मंगेतर बोलती क्या उसी, हाँ प्रेस ही बोलती शायद, वो मिलेगी है। हाँ अब तुम लोग बूढ़े हो गए लेकिन समझ तो सकत से ही हो, हाँ उसमें क्या बात है, समझ तुम्हें कह रहे ज्यादा नहीं हुए। अरे रे 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 रे, अरे बहू आ गई, विजय जी तुम्हारी अभी भी बूढ़ा होना नहीं चाहते, अरे रे रे प्रभु कैसी बातें करता है। चलो बहू आ जाए तो ब्रह्मचर्य का भाव आ जाना चाहिए, और क्या क्या करोगे जीवन में। तो क्या कह रहा था मैं, उसको रोमांच रहता है, समझ में आया, क्या रहता है रोमांच रहता है, लेकिन बाहर से दिखाता नहीं, उल्टा कोशिश करता किसी को पता ना चल जाए, समझ में। ऐसे ही श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि, वैसे ही रोमांचित होता रहता है, हाँ वो किसी को पता नहीं चलता, वो अंदर अंदर मुस्कुराता रहता है, और बाहर पत्नी का भी जवाब देता रहता है, व्यापार भी करता रहता है, बच्चों के साथ खेलता भी रहता है, पड़ोसियों के साथ भी उठ बैठ कर लेता है, समझ में आया, व्यापार करने भी चला जाता है, मंदिर में भी, और जब भगवान के सामने आता है तो उसकी वो मुस्कुराहट बाहर आ जाती है, समझ में आया। अब आएगी, अब क्योंकि वो अंदर भरा था ना, अब उसका जिससे प्रेम पक्का हुआ उसके कुछ पड़ोसी मिलने लगे, कुछ घर नजदीक आ गया, कुछ उसकी बहन मिल गई, उसका भाई मिल गया, समझ में आया, क्या बोलते तुम उसको शादी को, क्या बोलते वो बारात घर, क्या बोलते जहां बारात रुकती है, जनवास्या, ये बोले भिंड के भाई साहब, अरे हमने खूब बरातें करी ठाकरों की, गुर्जरों की, हाँ हम भी खूब गए,
तो बोले सुनो बारात आ गई तो कहाँ रुके? जनवासे में, तो वहाँ पानी आता था, फिर चाय आती थी, समय कोई बस्ता बनती थी, तो बारात में क्या देखते रहते थे कि भैया ये बताओ तुम्हारी शादी जिससे होनी वो लड़की कहाँ है? समझ में आया कि नहीं? क्या उसका भाई है, ये उसके ससुर हैं, ये उसके ये, अरे ये तो ठीक है यार, तुम्हारी दोस्त होता है ना दोस्त, यार तेरी शादी किससे पक्की हुई, वो कब दिखेगी? समझ में आया कि वो तो अभी चलो भैया जब दिखेगी दिखेगी। तो देखो इतने में ऐसे श्री गुरु कहते ये देवशास्त्र गुरु उस आत्मा के सगे संबंधी हैं, और ये दिखने लगे तुझे तो समझ लेना यही आत्मा है, इनको देख के रोमांचित हो जा लेकिन नजर उसी पर रखना इनमें खो मत जाना, ससुर को ससुरी की जगह रखना, क्यों है दृष्टि वही रखना, ऐसे ही पंच परमेश्वरी की पूजा करना लेकिन दृष्टि गायक पे रखना है।